गुड मॉर्निंग। बहुत घने बादल लगे हुए हैं, हरियाली आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन है। सुबह का मौसम है और स्कूल जाने की तैयारी है। आज एक थोड़ी सी नेकी बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए, क्योंकि पानी पीने की बड़ी दिक्कत हो रही है स्कूल में बच्चों के लिए। बार बार टंकी के पास जाना पड़ता है और टंकी थोड़ी दूर है, गर्मी का सीज़न है, मना भी नहीं कर सकते हैं, बट इसलिए मैं आज 200 किलोमीटर के डिस्टेंस से एक बच्चों के लिए एक मटका लेके आया हूँ। इस मटके को स्कूल पहुँचाना है और इसमें टैब भी लगा हुआ है। चलिए देखते हैं बच्चे कितने खुश होते हैं आज स्कूल में। फ्रेंड्स, अभी मैं ऑन द वे हूँ, रास्ते में थोड़ी देर के लिए रुका हूँ। तो ये जो जगह है, यहाँ पर मैं इस जगह से लेके आया हूँ अभी इस मटके को। और लगभग 7:05 हुए हैं। इस जगह से अभी लाया हूँ मैं मॉर्निंग में, बट आया ये हल्द्वानी से है, लगभग यहाँ से 150-200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। वहाँ से मैं इसको लेकर आया हूँ क्योंकि प्रॉब्लम है, बच्चे पानी के लिए बार बार टैंक के पास जाते हैं, वाटर बॉटल उनके पास होती नहीं है, तो बच्चों की जो कंडीशन है। तो ये अभी मुझे इस पहाड़ी पे चढ़ना है, लगभग 10 मिनट और लगेंगे। इस पहाड़ी के ऊपर कहीं मुझे जाना है, यहीं कहीं मेरा स्कूल है। ये जो सबसे बड़ा सा वृक्ष दिख रहा है, इससे थोड़ा ऊपर है, यहाँ पर मुझे जाना है। तो बड़ा चिंतनीय विषय है कि कब हमारे स्कूल डेवलप्ड कंट्रीज की तरह से स्टैब्लिश होंगे। डेवलप्ड कंट्रीज तो छोड़ दीजिए, कम से कम दिल्ली के स्कूलों की तर्ज पर एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल के अंदर हो। इस तरह मैं बड़ी मुश्किलों से ले जा रहा हूँ, पहाड़ के रास्ते हैं, हर तरह की सुविधा स्कूल के अंदर, बच्चों के प्लेग्राउंड हो, खेलने के लिए झूले हों, पानी की प्रॉपर व्यवस्था हो, प्रॉपर किचन हो। मैं अपने स्कूल में पहुंच चुका हूं। ये एक बच्चा मेरे हेल्प करने भी आ गया है, अभिषेक, कैसे हो? ठीक है। तो ये मेरा स्कूल है। तो इस तरह हम पहुंच चुके हैं स्कूल के अंदर और जल्दी जल्दी अब इसको हम सेट कर लेते हैं। बच्चे, दो बच्चे आ गए हैं। ये क्या करोगे बच्चे, इसकी धुलाई करोगे? यस यस, इसकी धुलाई कर दो पहले, और उसके बाद एक इसमें MDM से मांगते हैं, एक बोरा मांगते हैं ताकि उसका बेस बन जाए, बोरे का गिरे नहीं, बच्चे शैतान भी होते हैं। और गिलास रख देंगे, सारे बच्चे यहीं से पानी पिया करेंगे आज से। तो ये छोटे छोटे संसाधनों से हम थोड़ी बेहतरी कर सकते हैं, बच्चों के लिए सुविधाएं कर सकते हैं। वाटर फिल्टर तो लगा नहीं सकते हैं या वाटर कूलर भी नहीं लगा सकते हैं, बट इस तरह के छोटे छोटे मटके लाके हम बच्चों को ठंडा पानी पिला सकते हैं। MDM से हमें ये भी मिल गया है और इसका हम इसके लिए क्या बनाएंगे, सिरोना बनाएंगे। सिरोना क्या बनाएंगे? सिरोना।
दोस्तों स्कूल के पास में ही है एक नेचुरल वाटर रिसोर्स है जिसको धारा कहते हैं पहाड़ों में, तो वो बहुत पानी है इसमें, लेकिन बच्चों का बार बार स्कूल से बाहर निकलना, बाउंड्री के बाहर है, तो वो इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है स्कूल के अंदर और डिस्टर्बेंस भी होता है। तो इसलिए हमने इस मटके में यहाँ से अभी 2 बाल्टी पानी लेके डाल देते हैं, बीच बीच में अभी भोजन माताएं आ जाएंगी वो पानी उसमें डाल देंगी। अभी फिलहाल हम काम चलाने के लिए, मेरे साथ 2-3 बच्चे आए हैं, ये पानी उसमें डाल देते हैं और दिन भर बच्चे उससे पानी पीते रहेंगे। ये हमारा धारा है, ये इतना पानी आजकल तो इसमें पानी से लबालब भरा हुआ है। हमारे सर जो हैं मिस्टर हरीश हंडोला इस पानी का उद्घाटन कर रहे हैं कि पहले हम टीचर्स पिएंगे उसके बाद बच्चे इस पिएंगे। वाह वाह वाह, ताली बजा दो भाई, वाह मजा आ गया। अब लो आरश पानी पीते हुए, इधर देख एक बार, हाय बोल दो। इस तरह से आज का ये नेक काम मुझे अच्छा लगा, बच्चों के लिए एक मटका आया और पानी पीने का, उनका जो बाहर जाना पड़ता था, बॉटल्स नहीं थी उनके पास, तो एक तरह से बहुत अच्छा हो गया उनके लिए, इजीली पानी पी सकते हैं और जब चाहें क्लास के बीच में भी आके पानी पी के अपनी क्लास में जा सकते हैं। तो ऐसे ही और कामों को देखने के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पे। सी यू, बाय बाय।